करेंगे विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में जो 10वां प्राकृतिक प्रदेश है उसका नाम है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। ये दोनों गोलार्धों में ये प्रदेश 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर विस्तृत है। एशिया में मंचूरिया, पूर्वी कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस बेसिन, लैब्राडोर, कपटार, न्यू इंग्लैंड स्टेट्स वे न्यूफाउंडलैंड और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अर्जेंटीना इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में जलवायु, इस प्रदेश की जलवायु कड़ी है। गर्मियां गर्म, जाड़े बहुत ठंडे होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, किंतु वर्ष भर हर ऋतु में थोड़ी बहुत होती रहती है। गर्मियों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। जाड़ों में तापक्रम जमाव बिंदु पर तक पहुँच जाता है। बहुत से बंदरगाहों में बर्फ़ जम जाती है। गर्मियों का तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक तापांतर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जाड़ों में पश्चिम हवाएं थल से जल की ओर चलती हैं और तटों के निकट क्यूराइल धारा, लैब्राडोर धारा तथा फॉकलैंड धारा नाम की ठंडी धाराएं चलती हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 35 से 100 सेंटीमीटर तक है। एशिया के इस भूभाग में जाड़ों में चक्रवात से वर्षा होती है, किंतु गर्मियों में मानसून हवाएं 60 डिग्री उत्तर अक्षांशों तक आकर वर्षा कर देती है। जापान के पूर्वी भाग में गर्मी में तथा पश्चिम की ओर जाड़ों में अधिक वर्षा होती है। उत्तरी अमेरिका में इस भूभाग में जाड़ों में काफ़ी कम वर्षा होती है, जाड़ों में चक्रवात चलते हैं। सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर काफ़ी वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका इस भूभाग में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति, उत्तरी गोलार्ध में चूड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं जिनमें शीतकाल आने से पहले ही पत्ते झड़ जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के इस भूभाग में वर्षा कम होने से घास व झाड़ियाँ ही उगती है। चूड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों में ओक, बीच, बर्च, एस, एल्म, वॉलनट, मैपिल आदि वृक्ष उगते हैं। उत्तर में चीड़, फर, स्प्रूस के वृक्ष भी मिलते हैं। आर्थिक एवं मानवीय दशाएं, लकड़ी काटना इस प्रदेश का प्राचीन व्यवसाय है। एशिया के इस भूभाग में लकड़ी काटने का धंधा काफ़ी प्रचलित हो गया है, किंतु उत्तरी अमेरिका के इस भाग में काफ़ी विकास हो गया है। वनों को साफ कर खेती की जाने लगी है जिसमें गेहूँ, जौ, जई, आलू उगाए जाते हैं। एशिया के इस भाग में जापान में उन्नत कृषि की जाती है। लकड़ी काटने व लकड़ी का सामान बनाने के अलावा कृषि में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, चाय भी पैदा की जाती है। मंचूरिया में विकास तीव्र गति से हो रहा है। सोयाबीन व मोटे अन्न उगाए जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के इस भूभाग में उजाड़, शुष्क और ठंडा प्रदेश है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के इस भूभाग में मछली पालन होता है। न्यूफाउंडलैंड के निकट ग्रांड बैंक मछलियों का प्रसिद्ध क्षेत्र है। कनाडा व यूएसए में मछली पालन उन्नत अवस्था में है। जापान में भी मछली पकड़ने का व्यवसाय है। पशुपालन में कनाडा व यूएसए उन्नत स्थिति में है। गाय, भेड़, सुअर, मुर्गियां पाली जाती है। लकड़ी काटने में कनाडा, जापान व मंचूरिया में होता है। जापान में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के झीलों में कोयला, सोना, तांबा, मिट्टी का तेल, अप्लेशियन में लोहा, कोयला, तांबा निकाला जाता है। जापान में दिया सिलाई उद्योग उन्नत दशा में है व तांबा, कोयला, लोहा, मिट्टी का तेल भी निकाला जाता है। 11वां प्राकृतिक प्रदेश आता है पश्चिम उत्तर यूरोप तुल्य प्रदेश। ये दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों तक फैला हुआ है। इसमें उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूएसए की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड का दक्षिणी टापू व आसमानिया द्वीप आदि सम्मिलित हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्पेन का उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, उत्तरी नॉर्वे व ब्रिटिश द्वीप समूह आदि सम्मिलित हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में सबसे पहले अपन देखते हैं जलवायु। यहाँ की जलवायु को ठंडी शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं। वार्षिक तापांतर कम और वर्ष भर वर्षा इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएँ हैं। यही लक्षण भूमध्य रेखीय जलवायु के, किंतु इस प्रदेश में तापक्रम भूमध्य रेखीय प्रदेश से कम रहता है और वर्षा पश्चिम हवाओं से होती है तथा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। यह प्रदेश वर्ष पर पश्चिम हवाओं की पेटी में रहता है, अतः सारे साल वर्षा होती रहती है। पतझड़ ऋतु में
जब चक्रवात चलते हैं तो और अधिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। पश्चिम से जो जो पूर्व की ओर चलते हैं वार्षिक वर्षा कम होती जाती है और वार्षिक तापांतर अवधि अधिक हो जाती है। मार्ग पर पड़ने वाले पर्वतों के पश्चिमी ढलों पर तो 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति, इस प्रदेश में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन मिलते हैं जिनमें ओक, बीच, बर्च, एस, एल्म, आस्पेन, वालनट, चेस्टनट, मैपिल इत्यादि वृक्ष उगते हैं। इस प्रदेश में ऊंचे भागों में जहाँ शीत अधिक रहता है नकुली पत्ते वाले वृक्ष भी उगते हैं। उत्तरी यूएसए के इस प्रदेश में चीड़, फर, वालरस, हेमलॉक, स्प्रूस तथा लार्च वृक्ष उगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टस्मानिया द्वीपों पर चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। इनमें यूकेलिप्टस तथा सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। आर्थिक तथा मानवीय दशाएं, जंगलों को साफ करके वैज्ञानिक विधि द्वारा गहरी कृषि की प्रथा प्राय सर्वत्र की जाती है, जिसमें जौ, जई, राई, आलू, चुकंदर, सन इत्यादि उगाए जाते हैं। फलों की खेती में सेब, नाशपत्ती इत्यादि खूब उगाए जाते हैं। टस्मानिया द्वीप पर मुरब्बा का व्यवसाय फलों की खेती पर ही आधारित है। यूरोपियन भागों में उत्तरी सागर के उथले तटों पर मछलियाँ पकड़ी जाती है, जिसमें नॉर्वे, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस इत्यादि देशों में व्यवसाय प्राचीन समय से ही काफ़ी उन्नत दशा में है। यहाँ का डागर बैंक क्षेत्र मछलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कार्ड, वर्जन, हेरिंग इत्यादि मछलियाँ मिलती है। इस प्रदेश में मांस व दुग्ध व ऊन के लिए भेड़ पालन किया जाता है। डेनमार्क पशुपालन और दुग्ध उत्पादन अग्रणी है। यहाँ से मक्खन, पनीर, सुखाया दुग्ध बाहर भेजा जाता है। इंग्लैंड में पशुपालन किया जाता है। स्कॉटलैंड, दक्षिणी चिली, तस्मानिया, न्यूजीलैंड में भी किया जाता है। इस प्रदेश में खनिज व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में है, जिसमें कोयला, लोहा, चांदी, सीसा, तांबा, जस्ता, सोना, एल्युमिनियम आदि खनिज यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में निकाला जाता है। इस प्रदेश की जलवायु बड़ी स्वास्थ्यवर्धक व स्फूर्तिदायक है। परिश्रम के लिए जलवायु उपयुक्त है, इसीलिए इन प्रदेशों को प्रयास के प्रदेश यानी रीजन्स ऑफ एफर्ट्स भी कहा जाता है। ओके।